गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी। मैं नवरतन जांगे, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। आज बात करते हैं मेटलर्जी के बारे में, बात करेंगे। अपनी रिपीट नंबर 19 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, NaCN इज समटाइम्स ऐड इन द फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस एज ए रिप्रेजेंट व्हेन ZnS एंड PbS मिनरल्स आर एक्सपेक्टेड बिकॉज़ NaCN को झाग पलन विधि में कभी-कभार अवनमक के रूप में मिलाया जाता है जब ZnS तथा PbS खनिज उपस्थित हो, क्योंकि बताएं सर। बिल्कुल सर, इसमें जाग प्लवन विधि जो है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस अपन सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए लेते हैं, ये एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस है और उसके अंदर सल्फाइड ओर जो है वो ऑयल से वेट होते हैं या ऑयल से एडजॉर्ब होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, तो वो ऑयल के साथ में फोर्थ के साथ में जाता है। लेकिन जब कभी भी एक से अधिक टाइप के सल्फाइड ओर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ZnS PbS अगर प्रेजेंट है, तो किसी पर्टिकुलर एक सल्फाइड ओर को अगर अपन फ्रॉथ में लाना चाहते हैं, किसी को अपने को रोकना है, तो अपन डिप्रेसेंट अपन काम में लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जैसा कि है, इसमें PbCl2 इज प्रेसिपिटेटेड व्हाइल नो इफेक्ट ऑन ZnS। ZnS फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल इसमें ZnS जो है, ZnS और PbS अगर दोनों हैं, दोनों साथ हैं, तो अगर NaCN जब लेते हैं तो NaCN क्या करता है, इसके साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और वो वाटर सोल्यूबल होता है, जिसके कारण ये तो पर्टिकुलर कंपाउंड फोर्थ में जाता नहीं है और PbS जो है वो ये फोर्थ में चला जाता है। मतलब अपने इसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आंसर अपना जाएगा इसके अंदर, सेकंड आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस। Fourth floating process used for the concentration of sulfide ore. Sulfide ash के सांद्रण में झाग पलवन विधि काम में ली जाती है। बिल्कुल सर, अभी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही अपन कह सकते हैं। अभी जैसे अपने बोला था कि सल्फाइड ओर जो एक्चुअली होते हैं वो एक प्रकार से ऑयल से वेट होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और इम्प्योरिटी जो है वो वाटर से प्रेफरेबली वेट होती है। तो इस बेसिस पर अपन ये कह सकते हैं, जैसे अपन फर्स्ट ऑप्शन पढ़े, is based on the difference and bitterability of different minerals. बिल्कुल ये वही बात होगी। और uses xanthide and fatty acid as collector. बिल्कुल ये informative चीज़ है, अपने को ध्यान रखनी है कि xanthide और fatty acid, ये याद करने लायक चीज़ है। बिल्कुल, अपन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा sulfide ore जो है वो frogs के अंदर आए, ये correct statement है। uses NaCN depressant in the mixture of ZnS PbS, just पीछे वाला आपने क्वेश्चन देखा था, उसी को लेकिन वही point है। तो अपन कह सकते हैं कि ये particular statement जो है, इसमें सभी statement इसमें क्या होंगे, correct होंगे। किसी भी अपचयन अभिक्रिया में ताप का चयन किस बात पर निर्भर करता है, ताकि देखो सर, इसमें अपन बच्चों ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का मान जो नेगेटिव होना चाहिए। अगर अपन गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के बारे में बात करें तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस, ये इक्वेशन अपन सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर डेल्टा एच एंथैल्पी है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है, टी टेम्परेचर है, और डेल्टा जी जो है वो यहाँ पर गिब्स पी एनर्जी में चेंज है। तो डेल्टा जी का मान अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अगर मान लो नेगेटिव आता है, वो प्रोसेस उतना ज्यादा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी अगर ये नेगेटिव वैल्यू और ज्यादा, किसी के लिए डेल्टा जी का मान जितना ज्यादा नेगेटिव होगा कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अपन किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अपनी इक्वेशन से अपन समझाते हैं। अब इसमें जैसे जनरल सी बात है, अपन रिडक्शन की बात करें, जैसे मान लो अपने को कोई मेटल ऑक्साइड है, उससे अपने को ऑक्सीजन को हटाना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट अपन काम में ले। बिल्कुल सर, मेटल ऑक्साइड का जो डिकम्पोजिशन होता है वो अपन जानते हैं सर कि ये तो एक प्रकार से नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। बिल्कुल, ठीक है, जनरली अपन यहाँ डेल्टा जी का मान क्या होगा सर, अपन पॉजिटिव कह सकते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा जैसे ई कोई एलिमेंट है, वो अपना को रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, मतलब अपना ऑक्साइड बनाएगा, और ऑक्साइड फॉर्मेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो अपन कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड अगर मान लो ये वाला ज्यादा होगा तो कलेक्टिवली इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा, तभी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर पाएगा। तो किसी भी अपचयन अभिक्रिया में ताप का चयन अपन इस टाइप से करें, टेम्परेचर को इस टाइप से अपन रखना चाहेंगे कि डेल्टा जी का मान नेगेटिव बना रहे। बिल्कुल, और साथ में बेटा ये ध्यान रखना, एजी और एचजी के लिए डेल्टा जी के मान बहुत कम नेगेटिव में होते हैं, इसलिए उनके ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल नहीं होते, हल्का सा उसको ताप देते ही वो किसमें टूट जाते हैं, मेटल और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। Ag2O और HgO, इन दोनों के ऑक्साइड, ये ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो इनका यूज भी अपन किसमें करते हैं, ऑटो फॉर्मेशन में इनका यूज भी करते हैं।
इनके लिए डेल्टा जी का मान कम नेगेटिव हुआ इसलिए इनकी ऑक्साइड कम स्टेबल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे बताए सर। तो अपन ये क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट आंसर फर्स्ट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैट का संगठन है, मैट कंटेंस। देखिए सर, इसमें ये कॉपर की मेटलर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अपन ने लिया तो इसके अराउंड अपने को बातें भी अपन चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। अपन जैसे कॉपर के लिए कॉपर पायराइटीज अपन और काम में लेते हैं, जो कि एक मिक्स्ड ओर होता है, किसका, कॉपर का और एफी के सल्फाइड्स का ओर होता है, ठीक है। और सबसे पहले अपन जैसे कंसंट्रेशन के लिए फिजिकल मेथड्स में से अपन कौन सा काम में ले लेंगे, अपन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस काम में लेंगे। उसके बाद में अपन रोस्टिंग करवाएंगे। अपन रोस्टिंग अगर अपन करवाते हैं तो अपन जानते हैं कि रोस्टिंग यहाँ पर पार्शियल होगी, पार्शियल रोस्टिंग होगी, और पार्शियल रोस्टिंग होगी तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कॉपर पायराइटी CuFeS2 को अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाएंगे रेवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर, तो वहां पर एग्जैक्टली यहाँ पर Cu2O, Cu2S और Cu2 है ना, FeS, Cu2S और FeS है ना, इन दोनों की पार्शियल रोस्टिंग होगी, मतलब कुछ अमाउंट जो है वो इसके अंदर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी अपन कह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसके अंदर ये अभी भी अनरोस्टेड और उसके अंदर पार्शियली पड़ा जाएगा, फिर अपन उसको बेसेमर कन्वर्टर में कन्वर्ट करते हैं, वहां पर बेसेमराइजेशन होता है। तो बेसेमराइजेशन अपन रेवर्बरेटरी फर्नेस से जब इस कंपोजिशन को बेसेमर कन्वर्टर में अपन ट्रांसफर करते हैं, तो मेनली कंपोजिशन अपना अभी भी अनरोस्टेड ये सल्फाइड ओर के रूप में ही रहेगा, बन जाता है। बिल्कुल सर, और उसके अंदर सिलिका भी प्रेजेंट होगी, तो इसका कॉपर मेट का अपन कंपोजिशन के लिए ये आंसर Cu2S और FeS एंड सिलिका आल्सो प्रेजेंट। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेट में क्या-क्या होता है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ विद्युत अभिक्रिया अपचयन विधि के निष्कर्षण में काम में ली जाती है। बिल्कुल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी एक बेसिक सा प्रिंसिपल अपन काम में लेते हैं इसके अंदर, जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनके लिए अपन एक प्रकार से इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये अपन मेथड काम में ले सकते हैं, जैसे अपन बोल सकते हैं फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एल्युमिनियम हो गया, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, और उसमें ये भी होता है कि अपने को रिडक्शन भी बहुत सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उनका रिडक्शन पोटेंशियल भी काफी कम होगा, तो अगर मान लो कोई दूसरी कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट वो पहले कैथोड पर रिड्यूस हो जाएगी, तो रिडक्शन को बहुत सिस्टमेटिक और प्योरिटी के साथ में करने के लिए जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है उनको अगर रिड्यूस करवाना है तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा अपने पास, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड ही रहेगा। जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल जैसे अपन Fe की बात करें है ना, Pb की बात करें, Zn की, उनके लिए तो अपन पायरोमेटलर्जी भी काम में ले सकते हैं, जिसमें अपन थर्मल प्रोसेसेस काम में लेते हैं, तो इसके अंदर अपना आंसर चला जाएगा कौन सा, सेकंड जाएगा हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अपने हो गई फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप एल्युमिनियम, इनके लिए अपन इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ गोल्डस्मिथ एल्युमिनो थर्माइट प्रोसेस, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया गोल्डस्मिथ एल्युमिनो थर्माइट विधि के आधार पर आधार का रूप है। देखिए सर, अपन इसमें ये कह सकते हैं कि जो जितने भी अपन जैसे मेटलर्जी बेसिकली क्या है, अपन किसी भी मिनरल को अपन और कहना स्टार्ट कर देंगे जो अपने लिए कन्वीनियंट होगा, और उस ओर को अपन उससे अपन मेटल अपने को एक्सट्रैक्ट करना है, पूरे प्रोसेसेस को अपन कलेक्टिवली अपन मेटलर्जिकल स्टेप्स या मेटलर्जी अपन कलेक्टिवली बोल सकते हैं। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन हो गया, जैसे मान लो क्रशिंग ग्राइंडिंग वगैरह हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रिडक्शन मेथड्स होते हैं, उसमें कार्बन के द्वारा रिडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट सबसे कॉमन मेथड है। लेकिन यहाँ पर रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के द्वारा जो अपन रिडक्शन करते हैं उस पर्टिकुलर मेथड को अपन गोल्डस्मिथ एल्युमिनो थर्माइट प्रोसेस अपन बोल सकते हैं। और अपन ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर एल्यूमिना जैसे अपन ये करें इस प्रोसेस के अंदर, तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि किन किन का अपन रिडक्शन जो है वो अपन एल्युमिनियम पाउडर के द्वारा अपन करवा सकते हैं। तो जैसे अपन बात करें कि जैसे कुछ जिनके मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई हो, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई हो, या अपन ये कह सकते हैं कि मेटल के साथ में ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ज्यादा हो, या फिर इनका डिकम्पोजिशन जो है उसके लिए डेल्टा जी का मान बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, तो कार्बन के द्वारा रिडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसको थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट से अगर अपन समझना चाहें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन MnO2 की बात कर ले, TiO2 की बात कर ले, ये ऐसे ऑक्साइड की बात कर ले, Cr2O3 की बात कर ले, ये कुछ ऐसे ऑक्साइड है जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इससे अपन ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर एफिनिटी बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन को इससे रिड्यूस करवाना काफी मुश्किल होगा। तो अगर अपन इसका रिडक्शन करवाएंगे तो आपको पता है कि डिकम्पोजिशन के लिए तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और अगर आपने कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में लिया है
तो यहाँ पर CO2 या CO बनाए, कार्बन अगर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है तो डेल्टा जी का मान ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव होगा इस रिएक्शन के लिए, बट ये नेगेटिव वैल्यू इसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा। तो कलेक्टिवली रिएक्शन के लिए अपन कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेने की बजाय अपन एल्यूमिनियम काम में लेंगे, और ये भी कह सकते हैं कि कार्बन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी जो है वो इन मेटल्स की तुलना में क्या है, कम है। तो इस बेसिस पर अपन कह सकते हैं, और यहाँ पर बेसिकली Fe2O3 ले रखा है, तो Fe2O3 का तो एक प्रकार से अपन कार्बन के द्वारा भी हालांकि रिडक्शन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली MnO2, TiO2, Cr2O3 जैसे अगर ऑक्साइड हो तो उनके लिए एल्यूमिनियम पाउडर बेस्ट है, है ना। तो एल्यूमिनियम पाउडर और ये जो अपना और होता है उसको अपन थर्माइट बोलते हैं, है ना। थर्माइट प्रोसेस आपने पढ़ाई होगा, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर अपने पास एल्यूमिनियम तो सब में दे रखा है, लेकिन और ऑक्साइड और जो है वो एक ही दे रखा है Fe2O3, तो अपना आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ आंसर, फोर्थ आंसर बिल्कुल बिल्कुल सर। नेक्स्ट देखते हैं, सिल्वर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लेड बाय शीशे से चांदी का पृथक्करण किया जाता है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अपन ये जनरली कई बार आता है ये क्वेश्चन। तो देखो इसमें ये जो सारी जब अपन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा जब अपन मेटल जो प्राप्त करते हैं रिड्यूस करके जो मेटल अपन प्राप्त करते हैं उसको अपन क्रूड मेटल बोलते हैं, उसके अंदर भी कुछ इंप्योरिटीज जो है वो मिक्स्ड हो जाती है, लेकिन उस क्रूड मेटल से अपन प्योर मेटल का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो प्यूरिफिकेशन मेथड्स कहलाते हैं। उसमें आप लिक्विफिकेशन की बात कर सकते हो, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की बात कर सकते हो, क्यूपलेशन की बात कर सकते हो, और बहुत सारी प्रोसेस है ना, कॉपर का जैसे अपन करते हैं एनोड मड वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर अपन पर्टिकुलर इसके लिए बात करें तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन अपन लिक्विफिकेशन, जैसे लिक्विफिकेशन है तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अगर मान लो काफी ज्यादा डिफरेंस होगा इम्प्योरिटी और उसके लिए, तो अपन यहाँ पर दर्वण आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अपन बात करें यहाँ पर क्यूपिलेशन, तो क्यूपिलेशन इसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, सिल्वर कैन बी सेपरेटेड बाय, ये कोई सिल्वर कैन बी सेपरेटेड इसमें प्यूरिफिकेशन मेथड्स को डिस्कस ना करके इसमें पर्टिकुलर इसके बारे में सिल्वर के लिए बात है, तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है सर, ये जो पर्क प्रोसेस है आंसर तो ये जाएगा, पर्क प्रोसेस के द्वारा अपन सिल्वर को अपन लेड से सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, पीबी लेड और सिल्वर ये दोनों मिक्स कंडीशन में रहते हैं, ठीक है ना। और अपन इस प्रोसेस के अंदर अपने को सिल्वर को सेपरेट करना है तो अपन जिंक काम में लेते हैं। जिंक काम में क्यों लेते हैं, क्योंकि जिंक की सोल्युबिलिटी जो है ये दोनों सोल्यूशन प्रोसेस मतलब सोल्यूशन एक्वस केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर अपन ZN को काम में लेके तो ये PB के साथ में तो ऑलमोस्ट ये बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, लेकिन इसके कंपेयर में Ag के साथ में ये लगभग 3000 टाइम ज्यादा सॉल्युबल होता है, तो इसके साथ में ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इस बेसिस पर अपन Ag को अलग कर लेते हैं, तो सिल्वर को लेड से सेपरेट करने वाला मेथड कौन सा होगा, पार्क प्रोसेस हो गया, आंसर कौन सा होगा इसमें, फोर्थ। नेक्स्ट बात करें सर, बिल्कुल सर, व्हिच डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट मेथड, बिल्कुल सर, मैग्नीशियम को रिड्यूस करने के लिए सोडियम मैग्नीशियम को रिड्यूस करने के लिए क्रोल प्रोसेस, मैग्नीशियम यहाँ पर है TiCl2 के द्वारा अपन इसको यहाँ से टाइटेनियम को रिड्यूस करवा रहे हैं, बिल्कुल क्रोल प्रोसेस कहलाता है। ये प्रोसेस याद रखना है, कौन से प्रोसेस में कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। और इसमें निकल टेट्रा कार्बोनिल है, उसको निकल और ये तो मोंड प्रोसेस है, बहुत ही वेल नोन एक प्रकार से प्रोसेस, बार पूछा जाता है बिल्कुल। इसका ये वेपर फेज एक प्रकार से इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि आप ऐसे सूटेबल रिएजेंट से आप रिएक्शन कराओ जिससे कोई इजीली डिकम्पोज होने वाला कंपाउंड बने, और उसके बाद भी ये आगे फर्दर डिकम्पोजिशन की रिएक्शन दे रखी है। टेम्परेचर पहले कम टेम्परेचर पे कराएंगे तो एक वाष्पशील कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको आगे ज्यादा टेम्परेचर पर लेंगे तो वापस डिकम्पोज बिल्कुल हो जाता है। ये मोंड प्रोसेस एकदम करेक्ट रहता है, और सेम इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है वॉन आर्किल प्रोसेस, वॉन आर्किल प्रोसेस, ठीक है ना। यहाँ पर निकल की आई है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये आई है, इसमें ये वन यहाँ पर मिस आया था। तो देखो निकल को अगर क्रूड निकल को अपने सेपरेट करना है तो अपन रिएजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, वहां पर वोलेटाइल कंपाउंड NiCO4 बनता है, और जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए अपन इसी प्रिंसिपल को बेस बनाकर आयोडीन रिएजेंट लेते हैं। ये वॉन आर्किल प्रोसेस भी एक प्रकार से इससे करेक्ट मैच किया, बाकी ये तो सर ये जो कंपाउंड के लिए जो रिएक्शन दे रखी है तो जनरल थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है। साइनाइड प्रोसेस तो नाम से पता लग रहा है, उसमें साइनाइड यूज ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, बिल्कुल मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस अपन AuAg के लिए पर काम लेते हैं, है ना। तो ये अपना मैच जो है वो गलत स्टेटमेंट पूछा इसने, तो आंसर आ गया अपना, तो अपना आंसर इसके अंदर आ जाएगा कौन सा, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग सुमेलित कीजिए, बिल्कुल वही दोबारा वैसा ही आया। अभी अभी अपने बात की है सर कि साइनाइड प्रोसेस किन के लिए, Ag Au के लिए अपन काम में लेते हैं, बिल्कुल है ना। तो ये इसमें आंसर अपना डी जाएगा, इसमें सोडियम साइनाइड, बिल्कुल बिल्कुल सोडियम साइनाइड पोटेशियम साइनाइड से
फ्रॉथ फ्लोटेशन का क्वेश्चन भी अपन आ चुका है अभी, उसके अंदर उससे रिलेटेड यहाँ पर मैच कौन सा है, तो पाइन ऑयल, काफी ज्यादा फ्रॉथ बनाने वाला ऑयल इसमें यूज करना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए बात कर चुके हैं, इसके लिए भी अपन बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए अपना एल्यूमिनियम जो है वो सी आ जाएगा बिल्कुल। जोन रिफाइनिंग या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, ये अपन सेमीकंडक्टर्स के लिए जनरली प्योर फॉर्म में मेटल्स अपने को जो चाहिए होती है उनके लिए यूज देते हैं जोन रिफाइनिंग। इसमें अपन जैसे इसका प्रिंसिपल ये है कि जैसे इंप्योरिटीज आर मोर सोल्युबल इन द मेल्ट है ना, तो अपन इस बेसिस पर जो है वो अपन एक कोयल घुमाते हैं। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इसको जरूर देखें बिल्कुल। और सेमीकंडक्टर्स को आंसर कौन सा जाएगा इसको अगर अपन मैच करें तो फर्स्ट में अपना डी आ रहा है, फर्स्ट में डी, सेकंड में बी आ रहा है, थर्ड में सी आ रहा है, ये आंसर अपना सेकंड आंसर आ जाएगा अपना। तो इन प्रोसेस का ध्यान रखें थोड़ा सा कि कौन से प्रोसेस का यूज किस मेटल के लिए किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लिस्ट इन कॉलम फर्स्ट विद मेटल एंड और लिस्टेड इन कॉलम सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अपने क्या देखना है बेटा, करेक्ट देखना है यहाँ पर, तो बताएं सर। बिल्कुल सर, इसमें इस साइड में रिडक्शन मेथड्स दे रखे हैं और उनसे रेस्पेक्टिव जो आप मेटल्स दे रखे हैं। तो सेल्फ रिडक्शन की अगर अपन बात करें तो सेल्फ रिडक्शन के लिए कॉपर ही अपना आंसर सेट जाएगा, जैसे अपन कॉपर के मेटलर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। अभी अपन ने बात की थी कॉपर मेट को अपन बेसिमर कन्वर्टर में, तो बेसिमर कन्वर्टर में एयर रिडक्शन या फिर ऑटो रिडक्शन होता है, उसकी बात भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आगे भी है तो अपन बात करेंगे। और कौन कौन सी मेटल है जिनका सर अपन सेल्फ रिडक्शन अपन कर सकते हैं, एच जो गया, पीपी हो गया, ये सेल्फ रिडक्शन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, कार्बन या कार्बन मोनोक्साइड के द्वारा जो रिडक्शन अपन करवाते हैं सबसे कॉमन मेथड है। और ये आयरन जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो ऑक्साइड होते हैं मेटल ऑक्साइड के लिए, तो यहाँ पर ये बेस्ट रहेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक जो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स के लिए अपन बात करते हैं, बात कर चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर हॉल हेरोल्ड प्रोसेस की अपन बात करते ही हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट ये साइलेंट प्रोसेस जैसे अपन बात की थी है ना, इसमें अपन एजी एयू वगैरह इसमें ऑप्शन देखें सर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, देखो सर इसमें ए के अंदर पी मैच कर रहा है और बी के अंदर एस मैच कर रहा है, तो आंसर ये फर्स्ट हो जाएगा सर, सी में आर डी में क्यू, बिल्कुल सर है ना, ये आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन कैन नॉट बी यूज इन द रिडक्शन ऑफ Al2O3 बिकॉज, ये काफी बार बात कर चुके हैं अपन इसके बारे में, इसलिए ये क्वेश्चन हमने भी अपने भी रिपीट में रखा है कि ये बात थोड़ा दिमाग में ढंग से बैठ जाए, क्योंकि अपने मेटलर्जी जो है वो आयरन की है, एल्यूमिनियम की है, कॉपर की है, लेडन की है, तो अपन कार्बन को इसलिए अपन नहीं करवा सकते, एक तो एल्यूमिनियम कार्बाइड बन जाता है, अगर अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अपन रिडक्शन कार्बन के द्वारा करवाना चाहें तो ये इसमें कार्बन डायरेक्ट रिएक्शन करके एल्यूमिनियम कार्बाइड बना लेता है, तो इसमें फिर आगे रिडक्शन में अपने बहुत दिक्कत आने वाली है, तो कार्बन अपन इसलिए काम नहीं ले सकते। अब इसमें जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग अपन तो सोचते हैं, जैसे इट इज नॉन मेटल, ये तो कोई बात नहीं है, नॉन मेटल यहाँ पर है इसलिए नॉन मेटल होती है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम तो करता है, ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। CO2 की जो फॉर्मेशन की एंथैल्पी है वो Al2O3 की ज्यादा है, तो इस टाइप का ऑप्शन है, तो पहले अपन बात समझ लेते हैं कि Al2O3 जो है इसका अपने को रिडक्शन करवाना है, तो अपने को एग्जैक्टली एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के अंदर इसको तोड़ना है, इसको बैलेंस अपन कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करवाना है, तो ये तो एक प्रकार से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। अगर अपन कार्बन अगर रिड्यूसिंग एजेंट का काम में लेंगे तो अपन अगर यहाँ पर CO बनाए, इसका डेल्टा जी नेगेटिव या इसका ऑक्सीजन के साथ में जो फॉर्मेशन की एंथैल्पी ये कम होती है, इसको बैलेंस है, कंपनसेट इसको नहीं कर पाती है, तो आप ये कह सकते हो कि Al2O3 का जो डिकम्पोजिशन है या इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फॉर कार्बन, तो अपन आंसर ये कह सकते हैं द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 इज वेरी हाई, टू हाई है ना, इसका डिकम्पोजिशन के लिए डेल्टा जी बहुत पॉजिटिव होगा जिसको कंपनसेट करना मुश्किल होगा, तो आंसर अपना कौन सा जाएगा, फोर्थ आंसर सर इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लिस्टर कॉपर इज परफोलेट आता है, बिल्कुल सर, ये ब्लिस्टर कॉपर इसके बारे में पूछा भी जाता है स्टूडेंट्स, और अपन जैसे कॉपर की मेटलर्जी की 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो जैसा कि अपन ने कॉपर मेट की बात की, वैसे मैं कन्वर्टर में चला गया, उसके बाद में अपने कॉपर जो मिलता है वहां से जो रिडक्शन के द्वारा मिलता है, एग्जैक्टली उसमें रिएक्शन क्या होती है, कॉपर मेट के अंदर अपन ने क्या लिया, Cu2S, ठीक है ना, और Cu2S जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन रोस्टिंग ही होगी, वहां पर भी रोस्टिंग ही होगी, तो यहाँ पर रोस्टिंग होने पर ये रिएक्शन इस टाइप की होती है, ठीक है, और यहाँ पर ये पार्शियल रोस्टिंग होगी तो कुछ यहाँ पर बचा हुआ होगा और कुछ सल्फाइड बच जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये Cu2S और Cu2O ये तो आप कह सकते हो कि रोस्टेड और है, और ये बचा हुआ अनरोस्टेड, ठीक है, ये अपन कह सकते हैं
कि इस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर ये ऑटो रिड्यूस हो जाते हैं। इससे यहाँ पर 6Cu+ अभी अपन ने पढ़ा था सेल्फ रिडक्शन रिप्रेजेंट करता है कॉपर। बिल्कुल बिल्कुल, बेसेमर कन्वर्टर में अपन ने जो कॉपर मेट लिया है, कॉपर मेट का कंपोजिशन आपको Cu2S और Fe(S) बताया था। बिल्कुल, तो Cu2S का बेसेमर कन्वर्टर में क्या होना है वो देख लो आप। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, यहाँ पर CU2O बना, पार्शियल रोस्टिंग की रिएक्शन होगी, मतलब कुछ CU2O भी होगा, कुछ CU2S भी होगा बचा हुआ। ये आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर कॉपर जो है डाइट मिल जाता है। तो इसमें एग्जैक्टली अपने बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट अपने काम में नहीं लिया है। और अगर अपन इस रिएक्शन को अगर अपन एड करके देखें फाइनली, तो अपन कह सकते हैं 3 CU2S और CU2O कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 O2 और यहाँ पर 6 Cu और यहाँ पर 3 SO2। तो अपन इसको ऑटो रिडक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि बाहर से अपन ने कोई रिड्यूसिंग एजेंट काम में नहीं लिया। और इस रिएक्शन को देखकर अपन अपने को ये लगेगा कि ये ऑक्सीजन के द्वारा एयर रिडक्शन भी अपन इसको बोल सकते हैं। ये SO2 बाहर निकलेगी, SO2 बाहर निकलने के कारण क्या हो जाएगा, ये तांबा ब्लिस्टरदार हो जाएगा। SO2 निकलने के कारण तो इसमें अपना आंसर देख लेते हैं सर। इसके लिए एक तो ये बोल रखा है कि ब्लिस्टर्ड कॉपर के बारे में क्या करेक्ट है, इम्प्योर कॉपर, बिल्कुल ही इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर होता है, प्यूरिफिकेशन मेथड काम में लेंगे अपन। बेसेमर कन्वर्ट बेसेमरीकरण के दौरान स्व अपचयन प्रक्रम द्वारा बिल्कुल ये सेल्फ रिडक्शन के द्वारा बिल्कुल हो रहा है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और अगर अपन बात करें कि इसमें फर्स्ट और सेकंड ये करेक्ट होगा, तो अपना आंसर जो है इसमें कौन सा रहेगा, थर्ड आंसर आ जाएगा, आंसर चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सोर्स ऑफ लेड इन इज PbS, it is converted back to PbY. अभी जैसे कि सर ने आपको बताया कि जैसे कॉपर सेल्फ रिडक्शन में जैसे Pb भी सेल्फ रिडक्शन के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये रिएक्शन अभी जो मैंने पहले आपको रिएक्शन बताई सेम वही रिएक्शन है। ये PbS जो है ये एयर की प्रेजेंस में ये रोस्टिंग हो रही है और ये पार्शियल रोस्टिंग है। ये क्या है, पार्शियल रोस्टिंग, और पार्शियल रोस्टिंग के अंदर कुछ यहाँ पर अनरोस्टेड बच जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पर कुछ रोस्टेड और होगा, उनका द्वारा आपस में रिएक्शन होगी और उसमें डायरेक्ट अपने को PbO मिलेगा। जबकि ये वाली रिएक्शन की अगर अपन बात करें, इसमें PbO और SO2 यहाँ पर बन रहा है और Pb+ CO2 बन रहा है, कार्बन कहाँ से आ गया भाई ये, तो इस टाइप से तो एग्जैक्टली अपने को ये बात इसमें समझ नहीं थी। तो आंसर इसमें कौन सा जाएगा, साउथ ऑप्शन की बात करें तो बी आ जाएगा, ऑटो रिडक्शन का बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3 बाय हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। बिल्कुल सर, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस जैसे अपन बात करें, Al2O3 के सर सारे प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक है, जैसे कंसंट्रेशन में बेड सल्फेट हॉल प्रोसेस हो गया और रिडक्शन में हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है। अब अपन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसमें अपन क्रायोलाइट, अपन क्रायोलाइट लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि Al2O3 में थोड़ा कोवलेंट करेक्टर होने के कारण अपन ये कह सकते हैं एक इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सर 2000 से ऊपर होता है, उसको मेल्ट बनाए रखना भी काफी मुश्किल है। तो इसका एक तो मेल्टिंग पॉइंट अपने कम भी करना है और एक कंडक्टिविटी भी बढ़ानी है क्योंकि कोवलेंट करेक्टर। तो इसमें क्रायोलाइट और अपन फ्लोरोस्पार्क लाते हैं जो एक प्रकार से Al2O3 और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड प्रोबेबली CO2 एट एनोड। बिल्कुल, रिडक्शन तो कैथोड पर ही होता है, रिडक्शन तो कैथोड पर ही होता है। तो ये आंसर अपना क्या होगा, करेक्ट। तो अपना एग्जैक्टली आंसर जाएगा इसमें थर्ड, बहुत हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट बात करते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर ये याद रखना बेटा, अपने क्या चीज चूज करनी है, करेक्ट चूज करनी है। रिगार्डिंग द स्लैग ऑब्टेन ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक कॉपर और आयरन, तांबा व लोहे जैसी धातुओं के निष्कर्षण के लिए प्राप्त धातु मल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताएं सर। ये सर जैसे आयरन की अपन मेटलर्जी की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये स्लेग वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आयरन की मेटलर्जी का अपने स्लेग कौन बनता है और स्लेग का कंसेप्ट भी आपको पता ना, एग्जैक्टली जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी होती है उसको फ्यूजिबल बनाने के लिए अपन बाहर से कोई फ्लक्स मिलाते हैं और ये फ्लक्स और ये इम्प्योरिटी मिलकर जो इजिली कंपाउंड बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं स्लेग। और स्लेग की खास बात आयरन की मेटलर्जी में अपन बात करें तो SiO2 की इम्प्योरिटी होती है जो नॉन फ्यूजिबल, अपन कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम CaO देगा और उसमें CaO और SiO2 आपस में रिएक्शन करके CaSiO3 इस टाइप का स्लेग बनाता है। ये इंपॉर्टेंट भी है और स्लेग जो है वो नीचे मोल्टन Fe के ऊपर रहेगा, हल्का होता है, हल्का भी होता है और नॉन इमिसिबल होता है, मिलता नहीं है उसके, नहीं होता, मिक्स नहीं होता। तो आप ये कह सकते हो कि उसको इजीली सेपरेट अपन कर सकते हैं, हल्का होते हैं ऊपर रहता है और साथ में आयरन का ऑक्सीडेशन होने से भी रोकता है। बिल्कुल बिल्कुल, फर्दर ऑक्सीडेशन से भी रोकता है। तो आंसर इसमें कौन सा जाएगा कि धातु मल जो है वो हल्का होता है और धातु से इसका गलनांक भी कम होता है। तो आंसर इसके अंदर ये जाएगा, बाकी इसमें वेरिएशन कर रखे हैं दो चीजों में।
हल्का भारी में और मेल्टिंग पॉइंट में ये वेरिएशन करके ऑप्शन आंसर आ जाएगा फर्स्ट आंसर अपना आएगा फर्स्ट. नेक्स्ट देखते हैं सर द एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द हेमेटाइट इन द ब्लास्ट फर्नेस. देखो हेमेटाइट के अंदर जैसा कि आप स्टूडेंट सभी जानते हो कि इसके अंदर बाहर से अपन कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं अपन एफई का ओर डालते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में अपन कोक कार्बन डालते हैं कोक डालते हैं. लेकिन इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसमें तीन अपन जोन बनाते हैं एक तो रिडक्शन जोन यहाँ पर रिडक्शन जोन हो गया ये स्लैग फॉर्मेशन जोन हो गया और यहाँ पर एग्जैक्टली नीचे कंबशन जोन होता है. कंबशन जोन में अपन जो कोक कार्बन डालते हैं एग्जैक्टली वो रिएक्शन करके CO2 और CO बनाता है ठीक है ना. अब ये CO जो है वो एग्जैक्टली ऊपर आता है और ये लो टेम्परेचर जोन के अंदर CO बेसिकली रिड्यूस करता है. तो एग्जैक्टली बाहर से अपन जो कोर अपन चार्ज लेते हैं तो चार्ज में अपन रिड्यूसिंग एजेंट तो अपन कोक कार्बन लेते हैं पर एग्जैक्टली आयरन के ऑक्साइड का अलग अलग टेम्परेचर पर तीन स्टेट में अपन कह सकते हैं कि CO के द्वारा रिडक्शन होगा. तो अपना आंसर कौन सा जाएगा इसमें सेकंड आंसर आ जाएगा सेकंड आंसर अपना जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट एल्यूमिनियम डायग्राम स्लोप्स डाउनवर्ड फॉर द रिएक्शन. बिल्कुल अगर एल्यूमिनियम डायग्राम की अगर अपन बात करें तो कार्बन अगर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और यहाँ पर CO का जो फॉर्मेशन करता है तो ये रिएक्शन जो है इसके लिए यहाँ पर स्लोप क्या आएगा ऐसे नीचे की ओर आएगा. और अगर कार्बन अगर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और CO2 बनाता है तो वो एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन आएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी और जो CO अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके CO2 बनाता है तो वो जैसे मेटल ऑक्साइड के लिए आता है वैसा एक ग्राफ उनके लिए आएगा. तो आंसर अपना कौन सा जाएगा थर्ड आंसर. बिल्कुल नेक्स्ट देखें सर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड रोस्टेड गोल्ड और प्लस सी एन माइनस प्लस एच टू ओ टू एक्स बनता है तो अपने को क्या बताना है इसमें गोल्ड निष्कर्षण विधि में किसके बारे में बात करनी है एक्स के बारे में बात करनी है कि एक्स और वाई क्या क्या होंगे. ये अपना एक्स रहा और वाई अपने पास ये रहा तो इनके बारे में बात करनी है बताएं सर. बिल्कुल सर ये साइनाइड प्रोसेस है और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. ये कंसंट्रेशन का केमिकल मेथड है जिसमें अपन एजी या एयू जैसे अपन नेटिव ओर्स के लिए अपने काम में लेते हैं. तो यहाँ पर रोस्टेड गोल्ड ओर ले लिया ये गोल्ड के लिए बेसिकली. तो यहाँ पर सोडियम साइनाइड पोटेशियम साइनाइड से ये जो एजेंट आपको मिला है ये एजी या एयू के साथ जैसे इस रिएक्शन में गोल्ड दे रखा है इसके साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और कॉम्प्लेक्स अपन जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बनेगा एजी सॉरी ये इसमें एयू दे रखा है तो एयू सी एन का होल ट्वाइस माइनस वन इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये कॉम्प्लेक्स वाटर सोल्यूबल होगा और इसमें इम्प्योरिटीज इनसोल्यूबल होगी. इसको अपन फिल्टर करके अलग कर लेंगे और ये जो अपने पास बना है अच्छा इसमें नेक्स्ट रिएक्शन आगे दे रखा है तो इसके अंदर ये जो अपना बना है एक्स बना है ये जो बना है इसको अपन ZN से डिस्प्लेस करके इस एजी को अपन अलग कर लेंगे. मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उससे रिएक्शन करा देंगे. बिल्कुल तो ये अपने को AU बाहर अपने को मिल जाए तो कॉम्प्लेक्स उसके अंदर फिर ये बन जाएगा. अक्स तो अपना ये हो गया और ZN के साथ में रिएक्शन करने पर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है. बिल्कुल ZN CN4-2 इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और एजी जो है वो अपने को साइड में मिल जाएगा जिसको सीमेंटेशन भी अपन बोलते हैं. आंसर अपना जाएगा कौन सा इसमें ये वाला आंसर फर्स्ट आ जाएगा अपना आंसर. बिल्कुल बिल्कुल. नेक्स्ट बात करते हैं द एल्यूमिनियम डायग्राम फॉर जिंक मैग्नीशियम एंड कार्बन कन्वर्ट इनटू कॉरस्पोंडिंग ऑक्साइड इज शो बिलो. बिल्कुल किस ताप पर जिंक तथा कार्बन ऑक्सीजन के लिए समान बंधुता रखता है. बिल्कुल बिल्कुल सर अपन ऐसे क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये क्वेश्चन अपन इसलिए लिए है कि एल्यूमिनियम डायग्राम से रिलेटेड कोई समस्या हो तो इसमें बेसिकली क्या है कि अपन कोई किसी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन के लिए कौन सा सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा कौन से टेम्परेचर पर एक प्रकार से वो सूटेबल होगा हाई पे होगा लो पे होगा इस टाइप की बातें करने के लिए समझने के लिए अपन एल्यूमिनियम डायग्राम की बात करते हैं. इसमें बेसिकली क्या होता है मैट इसमें सारे ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए कर्व है और अगर अपने को डिकम्पोजिशन करवाना है तो अपन जो भी टेम्परेचर पर वैल्यू नोट करेंगे उसको अपने को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जैसे ZNO का रिडक्शन करवाना है ये तो ZN फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी का मान दे रखा है. अपने को डिकम्पोजिशन करवाना है तो अपने ZNO रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा तो ये वैल्यू अपने लिए पॉजिटिव हो जाएगी. तो जिस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन अपने को करवाना है उसके डेल्टा जी को अपन पॉजिटिव यहाँ से एज्यूम करेंगे और जो अपन रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेंगे उसके लिए जो वैल्यू यहाँ से नेगेटिव मिलेगी वही अपने को यूज करनी है और नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी तभी वो एप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर पाएगा. या यू कहें अपन सामान्य भाषा में कि जो नीचे की जो लाइन है उसका जो एलिमेंट है रिएक्शन का वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम तब कर पाएगा जब ऊपर वाली कोई अगर अपन बात करें ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट का काम कब कर पाएगा जब एक प्रकार से ये अपने ऑक्साइड फॉर्मेशन के अंदर डेल्टा जी का मान ज्यादा रखेगा. तो ये जो लाइन है अगर अपन इस टेम्परेचर की बात करूँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब इस 500 पे अगर अपने ऊपर की ओर एक लाइन खींच दी इसका मतलब इस टेम्परेचर पर ZN जो है
वो एक प्रकार से यहाँ पर इसका रिडक्शन कर सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा सकता है, या फिर यूं कहें इस टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर दोनों चीजें क्या होगी, बराबर होगी, कार्बन दोनों बराबर, दोनों के लिए एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बराबर होगी, तो इसके अंदर तो अपना आंसर जाएगा कौन सा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो सर आप, जैसे इसी क्वेश्चन में बोला है कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान होगा, तो रिएक्शन आपको ये ZnO + CO, Zn + CO दे रखा है, तो ZnO का अपने को रिडक्शन करवाना है कार्बन के द्वारा, इसका मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो लाइन नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में नीचे लाइन कब होगी, जब इस टेम्परेचर से आगे आगे हो जाए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे जो है वो, तभी इसके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव, रिएक्शन को दे रखा है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तभी कार्बन उसके रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ रिएक्शन फिजिबल होगी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन डायलिंगम डायग्राम फॉर जिंक क्वेश्चन है, उसके अंदर जिंक मैग्नीशियम एंड कार्बन कन्वर्ट इनटू कॉरस्पोंडिंग ऑक्साइड इज शोन बिलो, वही चीज है, क्वेश्चन चेंज है, निम्न अपचयन प्रक्रम स्वतः होता है, ताप होगा, अगर अपन वही बात है कि ZnO का आपने को रिडक्शन करवाना है कार्बन के द्वारा, तो कार्बन जो है वो अपना ऑक्साइड फॉर्मेशन नीचे आना चाहिए इस कर्व से, इस कर्व से नीचे जो इस टेम्परेचर से ज्यादा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होगा तो ये रिएक्शन अपने आप आंसर अपना हो जाएगा मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लिस्टेड इन कॉलम फर्स्ट एंड विद मेटल्स लिस्टेड इन कॉलम सेकंड, वही प्रोसेस की बात आ गई, सेल्फ रिडक्शन के लिए अपन कह सकते हैं लेड कार्बन रिडक्शन के द्वारा अगर अपन बात करें, इसमें देखो इसमें सेल्फ रिडक्शन इसमें दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, कॉपर भी हो सकता है, कार्बन रिडक्शन की अगर अपन बात करें तो PBS का भी अपन करवा सकते हैं, PBO का, PBO कार्बन के द्वारा भी अपन रिड्यूस करवा सकते हैं, और कॉपर का भी अपन CO2 को अपन करवा सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अपन इसको बहुत इजीली समझा सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो अपन सिल्वर के लिए बात की थी, और डिकम्पोजिशन आया था ना ये 99 जर्कोनियम के लिए अपन बात कर ली थी, तो अपना आंसर इसमें आगे आंसर इस टाइप से इसमें मैच करना है आपको। ओके, हाउ मेनी रिएक्शन कैन शो स्लैग फॉर्मेशन प्रोसेस फॉर द गिवन रिएक्शंस, बेसिकली इसमें जो फ्लक्स होता है और एक जो इंप्योरिटी होती है, ये एक एसिडिक होती है और एक बेसिक होती है, उस पर स्लैग का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ये जैसे अपन कह सकते हैं ये स्लेग है, और FeO ये इंप्योरिटी एक प्रकार से कॉपर की मेटलर्जी में स्लेग ये वाला बिल्कुल ये बनता है, आयरन की मेटलर्जी में ये वाला स्लेग बनता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है बेसिक ऑक्साइड हो गया, एसिडिक ऑक्साइड के साथ में स्लेग कैल्शियम फॉस्फेट का बनेगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम कार्बोनेट बहुत ईजिली MgO के अंदर डिकम्पोज रहेगा, और ये बेसिक ऑक्साइड है और ये क्या है एसिडिक ऑक्साइड है, ये भी अपन स्लेग कह सकते हैं, बट ये जो रिएक्शन है ये तो अपने पास ये गोल्डस्मिट एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस वाली रिएक्शन है, तो इसमें स्लैग नहीं बन रहा है एग्जैक्टली, तो अपना आंसर ये होगा, अच्छा इसमें कितनी रिएक्शंस के लिए ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन होगी, और ये वाली रिएक्शन होगी, और चार हो गई, तो टोटल चार रिएक्शन ऐसी है जिसमें स्लैग का स्लैग की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ओर्स आर सल्फाइड और फ्रॉम द गिवन ओर्स, बताएं सर। बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत इजी सा है, बट इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ओर्स याद होना चाहिए अगर आप मेटलर्जी पढ़ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। सिडेराइट की अगर अपन बात करें तो ये FeCO3 एक कार्बोनेट ओर है, आयरन पायरेटिस की अगर अपन बात करें तो ये FeS2 है ना सल्फाइड ओर है, जिंक ब्लेंड की अगर अपन बात करें तो ZnS हो गया, और क्यूपराइट की बात करें तो CO2 हो गया, इसमें अपने को गिन के बता रहे हैं ना सल्फाइड ओर इसके अंदर दो हो गए, ठीक है, बिल्कुल। तो आज के लिए मेटलर्जी अपनी कंप्लीट हुई है बेटा, मेटलर्जी ज्यादातर चैप्टर याद करने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको ये याद हो पाएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।